बेमेतरा जिले के ग्राम कठिया में हुई दर्दनाक सड़क हादसा में पिकअप सवार 9 लोगों की मौत से पथर्रा गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। घटना की जानकारी मिलते ही बेमेतरा विधायक दीपेश साहू और बेमेतरा कलेक्टर रणवीर सिंह ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। वहीं बेमेतरा दुर्घटना पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जन जागरण की जरूरत है, ड्राइवरों को समझाने की जरूरत है। गाँव में इस तरह की गाड़ियाँ आम है, बातचीत और जन जागरण से रास्ता निकले। हादसे में परिवार जनों के लिए सहायता राशि की मदद पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के ध्यान में सारा विषय है, आगे उन्हें सहायता जरूर दी जाएगी। बेमेतरा जिला का पथर्रा गांव है, पिकअप वाहन से लोग जा रहे थे उस गांव के, तो रात के समय में एक ट्रक से टकरा करके, शायद ट्रक खड़ी थी ऐसा बता रहे हैं, टकरा करके और फिर नीचे गिर गई गाड़ी, जिसमें 8 लोग तो वहीं खत्म हो गए और फिर कुछ लोगों को रायपुर एम्स में और श्रीनारायणा में लाकर भर्ती किया गया है। तो जो श्रीनारायणा में है उसमें से भी एक महिला की मृत्यु हो गई, जिनका पोस्टमार्टम अभी यहां रायपुर में होना है। दुखद है और बहुत बड़ा कष्ट का विषय है। जितने भी पिकअप के ड्राइवर आदि हैं उनको समझाना पड़ेगा। मसला यह है कि गांव में स्वीकार्यता हो जाती है, उपलब्धता और सस्ता होने के कारण पिकअप गाड़ियों का, वो गाड़ियों की स्वीकार्यता हो जाती है, तो इस पर जनजागरण करना पड़ेगा, आवश्यक है। कुछ पैसा, हाँ वो तो मैं सोचता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है ही है विषय, और सहयोग तो किया ही जाएगा सरकार से। सहयोग कोई बड़ी बात नहीं है, सर बुन्ही का है, सब जनता का ही है, जनता को ही जाना है। मसला यह है कि यह ठीक होना चाहिए, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। सर सुकमा में पुलिस, बहुत दुखद घटना है, अचानक ऐसी घटना हुई है, तो जो घटना है वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन हम हमेशा उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, और प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था होनी चाहिए उसको हम लोग तत्काल भी व्यवस्था पूरा करेंगे, और हमेशा उनके परिवारजनों के साथ भविष्य में भी उनके साथ खड़े हुए हैं। एक बड़ी दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई है हमारे विधानसभा क्षेत्र में, गांव पथर्रा के जो हमारे साहू समाज के परिवार हैं, जो छठी के कार्यक्रम में वहीं नज़दीक ही तिवरैया गए हुए थे, छठी के संधि भेंट का कार्यक्रम था, वापसी के दौरान रात के समय था, वापसी के दौरान जो है कठिया के पास एक खड़ी माजदा वाहन, एक वाहन खड़ी हुई थी माजदा, उसे जाकर के जो है टकरा गई, ऐसा वहाँ के जो ड्राइवर था पिकअप का उनका कहना है, तो वहाँ टकराने के कारण ये दुर्घटना घटी है। और टकराने से चूँकि उस छोटे से पिकअप वाहन में, जो हमारा कोई यात्री वाहन नहीं है, सामान ढोने का वाहन है, उसमें जो 25-30 लोग वहाँ पे हमारे गांव वाले उपस्थित थे, और जिसमें से अभी पता चला कि हमारे 9 लोग जो है एक्सपायर्ड हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। और वही चीज़ देखने के लिए हम लोग को मेरी सूचना मिली, तो मैं तत्काल यहाँ जिला अस्पताल पहुँचा हूँ। अभी तक यहाँ जिला अस्पताल में 3 लोग एक्सपायर्ड हुए हैं, और कुछ लोग जो हैं सिमगा में भी रिफ़र किए गए, वहाँ पर कुछ डेथ है हुई है वहाँ है, और कुछ लोग का इलाज सिमगम चल रहा है, और कुछ लोग का इलाज यहाँ है बहुत गंभीर, कुछ लोगों को जो इलाज चल रहा है उसमें किसी को गंभीर चोटें आई हैं, प्लास्टर की नौबत आ रही है, किसी के हाथ पैर टूटे हुए लग रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पे इलाज तत्काल में जारी हो गया है, और जिनकी को आवश्यकता थी उनको रायपुर में एम्स में भी यहाँ के हमारे डॉक्टरों के द्वारा एम्स में रिफ़र किया गया है, और उसी के लिए आया था कि यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारे जो परिवार के लोग उनका इलाज बढ़िया ढंग से हो, अच्छा ढंग से हो और जल्द स्वस्थ हो जाए, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं, और ये बहुत दुखद घटना है, इसका हम संवेदना व्यक्त करते हैं।